किसान भाइयों, राम राम। मैं रामेश्वर दाहिल, जयपुर राजस्थान से। आज की यात्रा आई है हमारी झुंझुनू में, देलसर गांव है। तो वहां पे धर्मवीर जी हैं, पुराने किसान हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। लंबे 30-40 साल से कर रहे हो साहब? तो 30-40 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पहले भी इन्होंने यूज लिया है, दूसरी कंपनियों का भी मंगवाया था। ट्यूब पहले कहाँ से मंगाई थी साहब आपने? तो वो कितनी साल चली है आपकी? 6-7 साल। 6-7 साल से जैविक खेती, बायो फर्टिलाइजर से खेती करने वाले किसान हमें मिले हैं। तो इनसे जानने को अपने को मिलेगा कि क्या क्या इन्होंने 6-7 साल का जो सफर किया, इनमें जैविक बायो फर्टिलाइजर से इनको क्या फायदे हुए और बाकी चीजों में क्या संघर्ष करना पड़ता है, ये क्या सरल है और क्या इसके फायदे हैं, ये धर्मवीर जी बताएंगे। बताओ साहब। ये साहब बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, एक तो कीटनाशक की जगह भी काम में लिया जाए। अच्छा, और जो पशुओं को फसल को पोषक तत्व देने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। अच्छा, तो इसमें ज्यादा कोई मटेरियल भी नहीं लगता है। अपना घर का ही जो गोबर है, गोमूत्र है, घोड़े बाजरे का आटा और जो घर में जो वेस्ट जो बचा हुआ होता जी, है जी। वो इसमें डाल देते हैं, उसमें ज्यादा कोई वो खर्चा नहीं। हाँ, खर्चा कुछ नहीं है। खर्चा और खरीद के तो कुछ नहीं डाल रहे हैं, गुड़ के अलावा? हाँ, गुड़ के अलावा खरीद के कुछ नहीं डालते। गुड़ कितना डालते हो? गुड़ एक में एक किलो, डेढ़ से दो किलो। डेढ़ से दो किलो? हाँ। तो वो भी रोजाना नहीं चाहिए? हाँ, वो भी रोजाना है। हाँ, तो मतलब महीने का 30-30 किलो गुड़ का खर्चा है। हाँ। यही माने अपन खर्चा। हाँ। खरीदने वाली चीज तो बाकी तो किसान के यहीं से है, बाकी का सारा अपना खुद का ही है। हाँ, जो सब्जी वगैरह जो बच जाती है। हाँ, सब्जियों की जो वेस्टेज बच जाती है वो डाल देते हैं। हाँ जी, घर में जो वेस्टेज निकलता है साथ है। हाँ, और जो मतलब सब्जी वगैरह जो भरी हुई है वेस्टेज बच जाती है वो डाल देते हैं। ये इन्हीं से मतलब ये जो अमर तैयार हो जाता है, तो इसमें बढ़िया मतलब तैयार होकर के कोई स्मेल भी नहीं आती है। हाँ, नहीं, स्मेल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से आप भरते हो? हाँ, यहाँ से भरते हैं और ये वाल है निकाल देते हैं। हम तो सारी जो फसल है इसी के पास आधार पर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो मेरे लगभग 60 बीघा का खेत है। 60 बीघा जमीन है? हाँ जी। तो पूरी का अंदर मतलब 60 बीघा यानी कोई 22-23 एकड़ जमीन होगी? हाँ हाँ, 22-23 एकड़ की खेती होगी जी। उसके बाद एक महीने से मतलब एक एकड़ का मान मैं 50 लीटर चला देता हूँ। एक एकड़ में 50 लीटर हर सिंचाई में? हाँ, अच्छा, एक सिंचाई में। अच्छा, एक महीने से एक बार 50 लीटर दे देता हूँ, उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो अपने अभी पैदावार में भी अच्छी पैदावार आई है। हाँ जी, मतलब 2.5 एकड़ के अंदर हमने लगभग 50 क्विंटल गेहूँ निकाल। 50 क्विंटल गेहूँ यानी 20 क्विंटल प्रति एकड़ आ गया। अच्छा, आ गया आपका एवरेज। कुछ नहीं यूरिया कुछ नहीं है इसमें? यूरिया वो तो हम, हाँ नहीं, केमिकल यूरिया। कितने साल से? वो तो मेरे को 16-17 साल हो। अच्छा, 16-17 साल से बिल्कुल बंद है? बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, वो तो कुछ यूरिया में बाजार से कुछ लाते ही। हाँ हाँ, अपना करते संचार करते जी। तो एक बात और बताओ साहब, जैसे आपने 6 साल तक दूसरी कंपनी की ट्यूब इस्तेमाल करी है। हाँ। और इसके बाद हमने ट्यूब दी, तो आपकी ट्यूब पुरानी वाली ट्यूब फटी फटी थी, क्या हो गया था? फटी साहब, वो फट गई, वो कड़क है। अच्छा, और कड़क होने उसका से टुकड़ा पड़ा था ना, वो एक मिनट लाएंगे, एक मिनट लाओ ना साहब, उसको भी दिखाएंगे वीडियो में। है? आपका ये था। हाँ। तो ये HDPE है, वेस्ट प्लास्टिक से बनता है। ये बिल्कुल पुराना है, तो ये क्या कड़क है यार? हाँ, कड़क है ना, ये कड़क होना चाहिए। हाँ। यहाँ से कड़क गया है। अच्छा, तो बाद में आपने जब दोबारा ये आपकी फटी, जब इस कंपनी से संपर्क किया क्या आपने? हाँ, इससे मैंने संपर्क किया। अच्छा, तो उसने वो बताया कि हम हमारा वो केमिकल देंगे। हाँ, और आपको ट्यूब भेज देंगे 19,000 रुपये लगेंगे आप। अच्छा, उन्होंने 19,000 रुपये मांगे? 19,000 रुपये मांगे। अच्छा, फिर मैंने आपसे संपर्क किया। हाँ जी। तो आपने बताया कि आपके पास फिटिंग सारी है। हाँ। तो उसने लगना आपको ट्यूब चाहिए तो आपको 6,000 रुपये लगेंगे। हाँ, तो मेरे पास ये 6,000 रुपये लेंगे आगे भी। इससे बढ़िया जेन्युइन चीज है, मतलब ये नरम है। क्वालिटी में इससे अच्छी है ना अपनी? इससे ये क्वालिटी अच्छी है अपनी। ऐसा लगता है इससे 5-7 साल ज्यादा चलेगी? ये ज्यादा चलेगी ना अपनी वाली? ये मेरे को लगता है ये डबल चलेगी। ठीक है साहब। और पैसे आधे से भी कम? पैसे आधे से भी कम। 6,000 में मैंने आपको दे दी। आधे से भी कम, बहुत कम लगे। हाँ,
13,000 रुपए बस के। तो किसान का फायदा हो तो रहा है क्या कुछ मेरे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत फायदा हो गया। बहुत फायदा हो रहा है ना, क्योंकि शुरुआती पैसा जो जेब से खर्च होता है वही तो जान निकाल रहा है आदमी की। फिर किसान एकदम से बीमार पड़ जाता है, टूट देता है, कर नहीं सकता। ये प्रोजेक्ट लगाएगा किसान तो, अब ये मेरा ये ला के लगाया था तो उस टाइम मेरा 28,000 रुपये खर्च हुआ था। ओहो, आज मैं लूंगा 8,000 रुपये में लगा रहा हूँ। और ये मेरे मतलब 8,000 रुपये आपके 6 महीने लग गई, 10,000 रुपये भी लगवा तो मेरा 20,000 रुपये 20,000 रुपये बच रहे भाई। आपके तो फिटिंग पुरानी काम में आ गई ना, इसलिए इसलिए आपके पैसे कम लगे। हाँ, और मेरे ख्याल से 6,000 की थोड़ी 4600 की है, कितने की है पड़ी, कितने की है ट्यूब? ये 19,000 रुपये की चीज 6,000 रुपये में दे दी। अब सब्जियां दिखाओ जी आपकी, ये टमाटर की फसल है आपकी है, ये भी टमाटर, ये टमाटर है, लाग तो शानदार है सब। अभी रेस्टिंग हो रही है, मल्चिंग भी नहीं है, मल्चिंग नहीं है इसमें। अच्छा, मल्चिंग होती तो और भी शानदार होता था। कितना परसेंट फर्क पड़ता है साहब मल्चिंग से उत्पादन में? उत्पादन में साहब पानी की बचत हो जाती है उसमें, एक तो पानी की बचत होगी, ये खरपतवार है ये नहीं होगी, वापसा बनेगा। हाँ, वापसा ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा। हाँ, अब मैंने ये सब्जी लगाई है तो ये मल्चिंग करके लगाई है। हाँ हाँ, तो इसमें जो मल्चिंग का जो बैठ में जो सब्जी लगा रखी है। हाँ जी, उसका मान तो नहीं जोरदार है साहब आपके टमाटरों में लाग। हाँ, बिल्कुल गुच्छे में टमाटर लगे हुए हैं और खूब जोरदार लाग है, बढ़िया। टमाटर के अलावा इधर मल्चिंग में क्या लगा रखा है साहब? इधर वो है, अच्छा आओ साहब दिखाओ, लकड़ी लगाई थी नहीं तो? अच्छा, बीज से 1.5 साल में ठीक हो गया तो बात है। ये 1.5 साल के पेड़ की ग्रोथ है सीड से, है? हाँ, सीड से, सीड से ये सारा एक साथ का लगाया था। बहुत जबरदस्त ग्रोथ है सर। हाँ, कमी नहीं है, अच्छी ग्रोथ है बिल्कुल। आपकी जमीन तो 2-2.5 साल, 2-2.5 साल और ये थाई एप्पल को साथ के ही है। तो ये थाई एप्पल और इसमें ज्यादा तो झाड़ियां है ना आपकी में? हाँ, इसमें झाड़ियां हैं, पेड़ है। अच्छा, झाड़ी हैं जी, दोनों बराबर बराबर है। हाँ, बराबर बराबर। अच्छा, और ये तरबूज बीच में आपका हम तरबूज? अच्छा, मतीरी में तरबूज में क्या फर्क है जी? मतीरी ये लाल नहीं होगी। अच्छा, लाल नहीं होगी। हाँ, ये सब्जी के काम आएगी, सफेद ही रहेगी अंदर से। अच्छा, तरबूज की तरह पानी नहीं आएगा इसमें? छोटी छोटी मटेरियल मतलब वैसा ही रहेगा, तो सब्जी में जाएगा आपका ये? तो इसका मार्केट कहाँ पे है साहब? ये अपने आश्रम धुंधलो ही जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये हो गया आपका। और सेब के, सेब का भी है ना आपको? सेब के पेड़ दिखाओ आपके, पत्ता गोभी कौन सा है ये सीड? अच्छा, तो किसान भाइयों एक और महत्वपूर्ण बात है, मल्चिंग के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये आप जान लो। आज की परिस्थितियों में कई विषय हैं इसके पीछे, अपनी कई मजबूरियां हैं। मल्चिंग हो सके तो चाहे अपने जो खेत का बायोमास है उसी से करें, और वो नहीं है तो प्लास्टिक से करें। अभी आप ये देखिए मल्चिंग के, ये देखो खरपतवार देखो अब आप, ये पौधा तो यहीं रह गया। हाँ, और ये 3 पौधा मल्चिंग, चार पौधा, 5 पौधे हैं, पांचों को तोड़ के निकालता हूँ। एक मिर्ची का पौधा इतना है और ये खरपतवार इतने हो गए, तो ये इसकी वजह थी, इसमें छेद ज्यादा और बड़े छेद थे, बड़े छेद हैं इसलिए ये खरपतवार ज्यादा।